तो आज हम जो है ये प्रैक्टिकल करेंगे माइक्रोस्कोप का, ठीक है। और इसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम ऑक्युलर लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्युलर लेंस कहते हैं। और ये ऑक्युलर लेंस जो होता है इसके ऊपर जो है हम इस तरह से इसको हम फिट करते हैं, इसके ऊपर इसकी पावर भी लिखी हुई है जो एक्स की फॉर्म में है। कितने टाइम जो है हम ऑब्जेक्ट जो है इसको बड़ा करके देख सकते हैं, इसको हम आई पीस कहते हैं, ऑक्युलर लेंस कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, आई पीस कहते हैं। इसी तरीके से जो है हम ये फिट करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है, इनको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसके हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इनको हम इस तरह से ओपन करेंगे और ओपन करके हम जो है यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम जो है ये फिट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस करके। लेंस जो है हम पे क्या करके फिट कर देते हैं इस तरह से, आप देखिए कितना कर लें इनको। और ये हमारे पास जो है ये हो गया है यहाँ पे। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है इसी तरीके से एक और हम जो है वहाँ फिट करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ये देखिए रिमोट डिस्प्ले है, इनकी जो है वो पावर है और इनके ऊपर जो है वो मेंशन भी की हुई है, लिखी हुई है, इनको हम जो है पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से जो है हमारे पास एक और जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो इनका आपको समझ आ गई होगी कि ऑक्युलर लेंस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है। ऑक्युलर लेंस जिसको हम आई पीस कहते हैं, यहाँ से हम देखते हैं अपनी आंख से देखते हैं, ये वाला एरिया है इसको हम, इसकी डिफरेंट पावर है। लो जी, ये हमारे पास आप बन गए हैं माइक्रोस्कोप। और इसमें अगर हम ये देखें तो ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, इसे हम स्टेज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेज कहते हैं। यहाँ पे हम जो है स्लाइड करके इसको जो है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से स्लाइड एडजस्ट करते हैं और ये स्टेज की जो है वो मेटल की बनी हुई क्या है, क्लिप्स हैं। इनको मेटल की बनी हुई क्या है, जिससे ये जो स्लाइड है इसको होल्ड किया जाता है कि ये आगे पीछे मूव ना कर। अच्छा, इसी तरीके से हम जो है इसको इस तरह से ये इसके नीचे ये इल्यूमिनेशन के लिए जो है वो एक आप ये कह सकते हैं कि जो है आईना है, ठीक है। और इसको हम लाइट की तरफ कर देते हैं, सूरज की तरफ करते हैं, यहाँ से रोशनी आ रही होती है, रोशनी जो है इसके ऊपर पड़ती है, पड़ के जो है वो स्टेज के ऊपर आएगी। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर है स्पेसिमेन, ये ग्लास जो स्लाइड है इसमें क्या है, स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन में पड़ेगी और स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट कर देगी, इसको रोशन कर देगी। और इस तरह से ये हम जो है इससे ये क्या चीज है, ये इसको इसको इसका फ्रेम कहते हैं। ये इसका क्या है, फ्रेम है। और ये स्टेज हो गई और ऑक्युलर हो गया, और इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और ये इसकी बेस है, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये इल्यूमिनेशन के लिए होता है। तो ये यहाँ पे ये जो है वो लगे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं एडजस्टमेंट के लिए जो है। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम जो है इसकी क्या कर सकते हैं, ऑक्युलर लेंस की और ये जो इसका ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस जो है, इनकी आप जो है वो किस तरह से एडजस्टमेंट ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो कोरस एडजस्टमेंट और ये फाइन एडजस्टमेंट। ये जो बाहर नजर आ रहा है फाइन और इसको हम क्या कहते हैं, कोरस एडजस्टमेंट है, ये फाइन एडजस्टमेंट होती है। इस तरह से हम इसको जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से देखें कि लाइट की तरफ अगर हम इसको करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये लाइट ऊपर जो है बढ़ रही है और हम जो है इसको ऊपर और नीचे करके जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास जो है इसकी अभी हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे, जो ये इसके एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो है
अब आपने क्या करना है इसमें, इसमें दो चीजें आपने देखी हैं, एक इसकी होती है रेजोल्यूशन पावर और एक इसकी होती है मैगनी फाइन पावर। रेजोल्यूशन पावर जो होती है इसमें हम जो है जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो स्पेसिमन हम देख रहे हैं, इसको हमने जो है क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करके देखना है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टिंक्शन होती है उस एबिलिटी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स। अब दो चीजें हैं ना, उनको आपने डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, तो उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। मैग्नीफाइंग क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर की होती है कि ऐसी एबिलिटी जिसके लिए से हम किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं, स्मॉलर ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हम देख सकते हैं, इसको हम है क्या कहेंगे, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। अब आप देखना इसके ऊपर जो है वो 15x है और फिर इस तरीके से अगर आप देखें ये 5x है और इस तरीके से अगर आप इसमें देखें तो ये 10x है। और अब ये 5x का मतलब है कि एक चीज आपके पास जो है उसको 5 गुना बड़ा करके देख सकते हैं, 10x का मतलब है कि आप चीज को 10 गुना बड़ा करके देख सकते हैं, और 15x का मतलब है कि इसको आपने 15, यानी x मीन टाइम, कितने टाइम आपने इसको लार्जर करना है, ठीक है, तो जितनी इसकी पावर आप बढ़ाते जाएंगे उतनी वो चीज बड़ी होती जाएगी, लेकिन उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, जो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेजोल्यूशन पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये इसके ऊपर जो है वो एक ट्रांसफॉर्मर बने हुए हैं, उनको हम चेंज करके जो है वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड है, इसके अंदर जो है वो स्पेसिमेन होता है, ये प्रोटोजोआ, ठीक है, तो इसको आप जो है हर किस्म की जो स्लाइड होती है इसको किस तरह से हमें देख सकते हैं।